कहाँ बचो? हमारा चैप्टर नंबर सेकंड अकाउंटिंग टाइम से हम बात करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस कुछ वीडियोस में चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों ने अकाउंट्स का मीनिंग डिफाइन, अकाउंटिंग प्रोसेस, एट्रीब्यूट्स, बुककीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग ब्रांचेस, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। अब मैं आपको सेकंड चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ, ये अकाउंटिंग के लिए ऐसा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात करेंगे हम लोग इसके, तो सेकंड चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग टर्म्स। जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिस पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बच्चों पहले इस वीडियो को समझे और उसके बाद जो पीडीएफ में नोट्स गिवन है उसको नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में। एक फेयर नोटबुक आप लोग बना लीजिएगा जिसमें मैंने जो फर्स्ट चैप्टर के पीडीएफ भेजे थे उन सबको नोट कर लीजिएगा और लिख देना चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स। इस वीडियो को समझने के बाद पीडीएफ में जो नोट्स है उसको आप फेयर कर देना। बच्चों सेकंड चैप्टर का हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म गिवन है कैपिटल। कैपिटल का मतलब आप लोगों ने सुना होगा पूंजी होता है, पूंजी। बच्चों एग्जैक्टली कैपिटल क्या होती है जिस पर हम बात करें? एक बिजनेसमैन है जिसका नेम है राम। जो बिजनेसमैन होता है इसको हम ओनर बोलते हैं अकाउंट्स के लिए, ऐसे ही उसको प्रोप्राइटर बोलेंगे। जो बिजनेसमैन होगा वो ओनर या प्रोप्राइटर वर्ड यूज में लेंगे इसके लिए। बच्चों ये जो बिजनेसमैन है राम, इसको बिजनेस करना है। राम को बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए उन्होंने बिजनेस में 1 लाख रुपीस का कैश, 1 लाख का मनी इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि जब आपको बिजनेस करना होगा तो बिजनेस करने के लिए जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस में आपको बिजनेस के लिए बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इक्विपमेंट परचेज करना होगा, कुछ गुड्स परचेज करना पड़ेगा, तो इन सब के लिए मनी की यानी पैसों की जरूरत पड़ेगी। जब भी आपको कोई बिजनेस करना होगा तो बिजनेस के लिए बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए ऑफिस के लिए, इक्विपमेंट चाहिए, गुड्स परचेज करने के लिए पैसा चाहिए। ये सारा जो मनी की रिक्वायरमेंट होगी, ये मनी की रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी? बिजनेसमैन से आएगी। ये बिजनेसमैन बिजनेस में क्या करेगा? मनी का इन्वेस्टमेंट करता है, जो कैश इन्वेस्टमेंट करता है। इस मनी का जो इन्वेस्टमेंट, इस जो कैश का इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। कि कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस, कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस। प्रोप्राइटर जो बिजनेस में मनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये क्या हो गया? आपका कैपिटल हो गया, बिजनेस का पूंजी हो गया। बच्चों कभी कभार क्या होता है ना, जैसे बिजनेसमैन ने मनी इन्वेस्टमेंट किया, इस मनी से इसने बिल्डिंग परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो बिजनेसमैन को लगता है कि मेरे पास यार कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ एक्स्ट्रा जो मेरे यूज में नहीं आ रहा, तो इसने फर्नीचर क्या कर दिया? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। बिजनेसमैन के पास फर्नीचर पड़ा था, ये फर्नीचर इसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी मनीष तो इन्वेस्टमेंट किया ही, उसने कुछ फर्नीचर भी क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस प्रोप्राइटर के पास 2 बिल्डिंग थी, एक जो ये रेजिडेंस पर्पस से यूज में ले रहा है, एक बिल्डिंग फ्री थी, तो उसने बिजनेस के नाम कर दी, बिल्डिंग बिजनेस के नाम कर दी। तो ये जो इसने मनी इन्वेस्टमेंट किया, ये फर्नीचर इन्वेस्टमेंट किया, ये जो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट किया, जितने भी सारे इन्वेस्टमेंट, सब किस में आएगा? कैपिटल में आएगा। तो परफेक्ट डेफिनेशन क्या बनती है? नॉट ओनली कैश है बेटा, केवल कैश नहीं, कैश के अलावा जो अदर इन्वेस्टमेंट किया, ये भी किस में आ रहा? कैपिटल में आ रहा। तो क्या लैंग्वेज बनती है? कैश एंड काइंड, कैश के अलावा जो
बिल्डिंग मशीन फर्नीचर इक्विपमेंट ये जो इन्वेस्टमेंट किया सब कैपिटल में आता तो हमारी लैंग्वेज क्या आगी कैश एंड काइंड इन्वेस्टेड बाय प्रोप्रेटर इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस। एक प्रोप्रेटर अपने बिजनेस में मनी के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये सारे इन्वेस्टमेंट किस में आता कैपिटल में आता है। तो लैंग्वेज क्या बनती है कैश एंड काइंड invested by proprietor invested by owner into business is known as a capital। ये सब capital होती है। बस जो बच्चों इस business में ने cash का investment किया furniture investment किया building investment किया ये जो सारे investment ये सब capital में आ गया। अब notes में जो language given वो मैं बोल देता हूँ आप लोग समझना cash and kind काइंड का मतलब अदर चीज आ रही फर्नीचर बिल्डिंग इक्विपमेंट ये सारी चीजें काइंड में आ रही है। तो कैश एंड काइंड इन्वेस्टेड बाय प्रोप्रेटर इनटू बिजनेस इज नोन एज ए कैपिटल। ये आपका कैपिटल हो गया। अब हम सेकंड अकाउंटिंग टर्म पर डिस्कस करेंगे और जो सेकंड अकाउंटिंग टर्म उसकी बात करते हैं अकाउंटिंग टर्म टू ड्रॉइंग्स क्या होता है बेटा हम बात करते हैं ये जो बिजनेसमैन है राम ये जो प्रोप्रेटर है राम इसने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो इस बिजनेस में कैश का इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख और कुछ इसने गुड्स का इन्वेस्टमेंट किया था 50,000। अगर इसने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया कैश और 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया गुड्स तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई थी 1,50,000 क्योंकि आपने पढ़ा था कैश एंड काइंड इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अब मैं सेकंड अकाउंटिंग टर्म पढ़ा रहा हूँ ड्रॉइंग्स वो भी इससे कनेक्टेड है समझना आप इस बात को। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है प्रोप्रेटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉल करता है। प्रोप्रेटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो विड्रॉल करता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। इन्वेस्ट किया तो कैपिटल और उससे विड्रॉल किया तो ड्रॉइंग्स। इन द सेंस ड्रॉइंग्स इज द अपोजिट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स अपोजिट हो गया। जब आप बिजनेस में पैसा लगा रहे थे अगर आप बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो कैपिटल और आज जब पैसा ले रहे थे उसको हम क्या बोलेंगे ड्रॉइंग्स हो गया। बिजनेसमैन को अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश की जरूरत थी तो उसने क्या किया कैश विड्रॉल किया 10,000 का उसने कैश विड्रॉल किया। बिजनेसमैन को अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स की रिक्वायरमेंट थी तो इसने क्या कर दिया 5,000 रुपीज का गुड्स लिया। तो बिजनेसमैन ने जो कैश लिया और बिजनेसमैन ने जो गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लिया उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। यानी जब बिजनेसमैन ने अपना पैसा बिजनेस में लगा दिया कुछ इक्विपमेंट वगैरह काइंड भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया अब इसको ये अपना फुल टाइम बिजनेस को दे रहा है इसने बिजनेस लगा के रिस्क लिया है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया अपना फुल टाइम बिजनेस को दे रहा है। तो जब बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए अपने लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो बिजनेसमैन यहाँ से क्या करेगा बिजनेस से विड्रॉल करना चालू करेगा। इसको अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 की रिक्वायरमेंट थी तो बिजनेस ने क्या किया 10,000 बिजनेस से विड्रॉल किया। इसको गुड्स की रिक्वायरमेंट थी तो इसने 5,000 गुड्स विड्रॉल किया। गुड्स क्यों विड्रॉल किया समझना बेटा सपोज करो आपका मेडिकल का बिजनेस है आपको घर के लिए मेडिसिन चाहिए तो आप बिजनेस से क्या करते हो घर पे लेके जाते हो। आपका मेडिकल का बिजनेस है आपको घर के लिए मेडिसिन चाहिए तो आप बिजनेस से घर पे लेके जा रहे हो तो ये जो मेडिसिन हम लेके जा रहे हैं ये क्या हो जाएगी ड्रॉइंग्स हो जाएगी। तो कैश एंड गुड्स टेकन बाय प्रोप्रेटर फॉर हिज पर्सनल यूज। एक प्रोप्रेटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो मनी विड्रॉल कर रहा है बिजनेस से जो गुड्स विड्रॉल कर रहा है इसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स।
यानी यह कैपिटल का अपोजिट पार्ट हो गया। इसीलिए एक अच्छी लैंग्वेज बनती है ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, ड्रॉइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है समझना, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 1 लाख, उसमें से विड्रॉल कितना कर लिया 10,000, तो 1 लाख में से 10,000 विड्रॉल किया तो बचा कितना आपका 90,000। गुड्स कितना इन्वेस्ट किया था 50,000, उसमें से कितना ले लिया 5,000, तो बचा कितना आपका 45,000। तो कैपिटल का मतलब तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ड्रॉइंग्स का मतलब यहाँ से ले रहे हो, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्ट किया उसी में से आपने ले लिया, तो वो अपने आप में क्या कर रहा रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल। तो सेकंड अकाउंटिंग टर्म कंप्लीट किया, कैश गुड्स टेकन बाय प्रोप्रेटर फॉर हिज पर्सनल यूज, बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए जो भी विड्रॉल करता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स बोलेंगे, एंड ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल। नाउ थर्ड अकाउंटिंग टर्म है लाइबिलिटीज, थर्ड अकाउंटिंग टर्म है लाइबिलिटीज। ये हो गया आपका लाइबिलिटीज। एग्जैक्टली लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है हम इस पर बात करेंगे। तो बच्चों बिजनेस में जितने भी सारी उधारियां होती है, जितने भी सारे ड्यूज होती है, जितने भी यूज मतलब जितने भी बर्डन होती है, जो भी सारा पैसा देना होता है, जो सारा पैसा चुकाना होता है, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। यानी बिजनेस के जितने भी ड्यूज है, जो ड्यूज जो देना है आपको, जो सारी उधारियां आपको देनी है, जो सारा पैसा आपको देना है, जो भी बिजनेस की बर्डन है जिसको हमें क्लियर करना, वो सब क्या होता है लाइबिलिटीज। एक सीधा तरीका है समझने का, आपने बैंक से लोन ले रखा है तो ये लोन आपके लिए क्या एक बर्डन है, आपके लिए क्या एक तरह से उधारी हो गया, आपका एक ड्यूज हो गया। यानी बैंक से लोन लिया तो इस पैसे को हमें क्या करना देना है, हमें पे करना है, तो ये जो भी पेबल है, ये जो भी उधारी जो भी ड्यूज है, उसको हम क्या बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या बनती है, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, बिजनेस को जो पैसा देना होता है वो सब लाइबिलिटी में आएगा, ऐसा बोलते हैं इसको हम, अमाउंट पेबल बाय एन एंटरप्राइजेस बाय अ बिजनेस। ये बिजनेस को जो भी सारा पैसा देना है, जो ड्यूज क्लियर करना है, जो उधारियां चुकानी, वो सब किसमें आएगा लाइबिलिटी, यानी बोलते हैं हम इसको पेबल। यानी जैसे बैंक से लोन लिया तो लोन का पैसा बैंक को देना है, तो ये हमारी क्या हो गई लाइबिलिटीज हो गया। लाइबिलिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और दूसरा होता है करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एंड करंट। जो सारी ड्यूज जो सारी उधारी आपको एक साल बाद पे करना होता है, जो पैसा आपको एक साल बाद चुकाना होता है, वो सब आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज पेबल आफ्टर 1 ईयर। यानी बोलते हैं दोज लाइबिलिटीज विच पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो सारा पैसा आपको एक साल बाद चुकाना उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जैसे हमने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया फॉर 10 ईयर्स, बैंक से लोन लिया और उसका 10 ईयर उसका टर्म कितना रकम है 10 साल, बोला कि 10 साल बाद पैसा देंगे, तो ये जो बैंक लोन है ये कौन सी लाइबिलिटीज हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसको ऐसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब हम हमारे लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिनको लॉन्ग टर्म में चुकाना होगा, तो पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो सारी लाइबिलिटी जिसका पैसा आपको एक साल बाद चुकाना होता है, वो सारा आपको किसमें आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा।
और इसी का रिवर्स। सेकंड पॉइंट, करंट लाइबिलिटीज, पेबल विद इन वन ईयर, जो सारा पैसा आपको एक साल में चुकाना है, पेबल विद इन वन ईयर, अगर आपको एक साल में पैसा चुकाना तो उसको हम बोलेंगे करंट लाइबिलिटीज। जैसे हम बात करते हैं, ये लोन जो आपने 10 ईयर के लिए लिया था, अगर ये लोन हम क्या लेते हैं 6 मंथ के लिए लेते हैं, लोन टेकन फॉर 6 मंथ, बैंक को बोला कि हम आपको 6 महीने में पेमेंट कर देंगे, तो पेबल विद इन वन ईयर हो गया। जो 12 मंथ में पेमेंट करना होता है वो किस में आता है, करंट लाइबिलिटीज में आता है। तो पेबल विद इन वन ईयर इज करंट लाइबिलिटीज एंड पेबल आफ्टर वन ईयर इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो हम बात किए थे थर्ड अकाउंटिंग टर्म था लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब था अमाउंट पेबल बाय अ बिजनेस, बिजनेस को जो सारा पैसा देना होगा वो होगा लाइबिलिटीज। ये दो टाइप की होगी, नॉन करंट एंड करंट। अगर एक साल बाद पे करना तो करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज, और एक साल में पेमेंट करना तो करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट को इसमें बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म में पेमेंट करना, और करंट लाइबिलिटीज को बोलते हैं शॉर्ट टर्म, यानी जिसको शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना होता है। इसी के साथ साथ में लाइबिलिटीज को कभी लोग ऐसे भी बोलते हैं, लाइबिलिटीज में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, लाइबिलिटीज में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कभी कभार पूछ ले कि इंटरनल लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती है, तो समझना बेटा, जो पैसा ओनर को चुकाना होता, जो पैसा प्रोप्राइटर को देना होता, वो सब इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। अमाउंट पेबल टू ओनर, जो सारा पैसा ओनर को देना है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज है। क्या होता है समझना हम लोग एक बार, हम लोग बोल रहे थे ना लाइबिलिटीज में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ये भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट पेबल टू ओनर, जो पैसा ओनर को देना होता वो इंटरनल लाइबिलिटीज होता है। अब एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो ध्यान लगाना आप लोग, आपने बोला था कि बिजनेसमैन जो है, जो प्रोपरेटर है, इस प्रोपरेटर ने क्या किया था, बिजनेस में मनी इन्वेस्टमेंट किया था। प्रोपरेटर ने बिजनेस में क्या किया था, मनी का इन्वेस्टमेंट किया था, और वो जो इन्वेस्टमेंट किया उसका नाम क्या लिया था आपने, कैपिटल। क्या बोला था, कैपिटल बोला था। अब आप लोग सोचो कि प्रोपरेटर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उस अकाउंटिंग टर्म का नाम क्या था, कैपिटल। समझने वाली बात क्या, मेन मुद्दे की बात क्या, फोकस करना। जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे तो आप हमेशा अपने आप को बिजनेस मानो, हमेशा बिजनेसमैन नहीं मानना, अपने आप को प्रोपराइटर नहीं मानना। जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे अपने आप को किस पर्पस से सोचना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना, बिजनेस के हिसाब से सोचना, हमेशा बिजनेस बन के सोचो। बिजनेस बन के सोचो, आप बोलोगे कि प्रोपराइटर ने बिजनेस में पूंजी लगाया था, प्रोपराइटर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया था, तो मुझे इस कैपिटल को वापस बिजनेसमैन को देना पड़ेगा, ये सारा पैसा वापस मुझे प्रोप्राइटर को देना पड़ेगा। तो बिजनेस क्या बोल रहा है, प्रोप्राइटर ने मुझे कैपिटल दिया है, तो ये कैपिटल में एक बार ये पैसा वापस उसको दूंगा। तो बिजनेस के लिए जो भी कैपिटल है वो सारा चीज क्या है, पेबल, और किसको पेबल है, ओनर को पेबल, और ओनर को पेबल होने से उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल लाइबिलिटीज। जो सारा पैसा ओनर को देना होता है, जो सारा पैसा प्रोपराइटर को देना होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज। तो बिजनेसमैन ने कैपिटल दिया था, तो बिजनेस बोला ये कैपिटल मैं वापस प्रोपराइटर को दूंगा, वापस प्रोपराइटर को देना, ओनर को देना, इन द सेंस क्या हो गया, इंटरनल लाइबिलिटीज। क्लियर है ना, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो पैसा देना है एक साल बाद देना है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, और एक साल में देना है तो करंट लाइबिलिटीज। अगर ये पैसा आपको प्रोपराइटर को देना है तो इंटरनल लाइबिलिटीज, और प्रोपराइटर के अलावा बाहर के लोगों को पे करना है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होता है। यहाँ हमें पेमेंट किसको देना, प्रोपराइटर को, इसीलिए उसको हमने क्या बोला, इंटरनल लाइबिलिटीज। तो इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब अमाउंट पेबल टू ओनर, ओनर को जो पैसा देना होता वो इंटरनल लाइबिलिटीज होता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है लाइक कैपिटल। आप लोग देखना पीडीएफ में, मैंने नोट्स पर नीचे लिखवाया है, कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटीज। कैपिटल लाइबिलिटीज होती है, बट कौन सी लाइबिलिटीज होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। सेकंड पॉइंट एक्सटर्नल, जितने भी सारी एक्सटर्नल पार्टीज को जो पेमेंट करना होता है, बिजनेस के बाहरी लोगों को जो पैसा देना होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज।
जो पेबल एक्सटर्नल पार्टीज को है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। जैसा बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया तो लोन का पैसा किसको देना, बैंक को देना, तो बैंक क्या है एक्सटर्नल पार्टी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो बैंक लोन इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होता है, ओनर को देना तो इंटरनल लाइबिलिटीज, और बाहर के पार्टीज को बैंक को देना तो एक्सटर्नल पार्टीज होगा। जैसे जैसे भी बाहर के पार्टीज को देना होगा सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगा। इस वीडियो में हमने तीन अकाउंटिंग टर्म डिस्कस किया। फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म सबके साथ रिपीट करो, कैपिटल कैश एंड काइंड इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस। एक प्रोप्राइटर जो भी इन्वेस्टमेंट करा उसको हम क्या बोलेंगे कैपिटल बोलेंगे। अभी सर ने आपने समझा दिया, नीचे नोट में सर ने लिखा कैपिटल इज ट्रीटेड एज इंटरनल लाइबिलिटीज। कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। सेकंड अकाउंटिंग टर्म ड्रॉइंग्स, कैश एंड गुड्स टेकन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज। एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस से कैश ले रहा है, गुड्स ले रहा है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। एंड ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट किया और ड्रॉइंग्स का मतलब विड्रॉ किया। थर्ड अकाउंटिंग टर्म आया था लाइबिलिटीज, अमाउंट पेबल बाय अ बिजनेस। एक बिजनेस को जितना पैसा देना होगा सब क्या होगा लाइबिलिटीज होगा। लाइबिलिटीज दो टाइप का होता है, नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज। पेमेंट आफ्टर वन ईयर इज नॉन करंट एंड पेमेंट विद इन वन ईयर इज अ करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर पैसा ओनर को देना है तो इंटरनल लाइबिलिटीज लाइक कैपिटल, और पैसा बाहर के लोगों को देना है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लाइक बैंक लोन वगैरह हो गया। अगला जो वीडियो होगा उसमें अकाउंटिंग टर्म नंबर 4 असेट्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्म नंबर 4 असेट्स।